जयपुर में आज सोमवार को मेले का आयोजन। देश भर में आज 44 जगहों पर लगेगा रोजगार मेला। पीएम मोदी वीसी के जरिए 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे। जयपुर में भी आयोजित होगा रोजगार मेला। महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस सीतापुरा में होगा आयोजन। नव नियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के जाएंगे वितरित। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। बता दें, इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद रामचरण बोहरा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी जयपुर में मौजूद रहेंगे। रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। देश भर में 44 जगहों पर ये रोजगार मेला लगने जा रहा है, जिसमें आज जयपुर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस सीतापुरा में भी एक आयोजन होगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में पीएम मोदी जो है वीसी के जरिए 70,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र बांटेंगे। और इसी के साथ बता दें कि पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। बता दें कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सांसद रामचरण बोहरा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी इस आयोजन के दौरान जयपुर में मौजूद रहेंगे। और इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या बताएंगे, आज रोजगार मेले का आयोजन जयपुर में भी होने जा रहा है। देश भर में 44 जगहों पर ये रोजगार मेले का आयोजन हो रहा है, आज जयपुर में आयोजन होगा। क्या कुछ जानकारी इस मेले को लेकर देना चाहेंगे, क्या क्या फायदा इससे युवाओं को होगा? बिल्कुल, देखिए, आज देश भर में 44 स्थानों पर एक साथ रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जरिए वीसी से जुड़ेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में करीब 70,000 जो नव नियुक्त जो विभिन्न महकमों के कर्मचारी हैं उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और संबोधित भी करेंगे। इस दौरान राजधानी जयपुर के बीच सीतापुरा स्थित महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज कैंपस में आयोजन किया जाएगा, जहां केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी भी मौजूद रहेंगे। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में इन जयपुर में नियुक्ति पाए अभ्यर्थी जो है वो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिन्हें वीसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां कुछ अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे, तो कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री और सांसद भी कई अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम नवनियुक्त कर्मचारी जो सरकारी महकमों में शामिल हो रहे हैं उन्हें संबोधित करेंगे, उनका उत्साह बढ़ाएंगे और सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर काम करने को लेकर उन्हें अपील करेंगे। साथ ही विभिन्न महकमों में तमाम जो कर्मचारी यहाँ पर जुटेंगे उनके आला अधिकारी भी उनसे यहाँ संपर्क कर उन्हें भविष्य लेकर किस तरह से कामकाज किया जाना है, महकमे में क्या उनकी जिम्मेदारी रहेगी, इसके बारे में उन्हें जानकारी देंगे। जी विवेक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत